नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले जो बिहार में बहुत बम्पर तौर पर वैकेंसी होने वाली है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, आज बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट सूचना है उनके लिए। आज बीपीएससी ने, जो बिहार लोक सेवा आयोग है, उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बहुत अच्छे अच्छे बिंदुओं पर आपको जानकारी दिया है। इसलिए उस बिंदुओं को समझिए और प्रिपेयर होके दोस्तों, क्या जाति अभी बनवाना जरूरी है, इसमें इसका आंसर है। क्वेश्चन जो पहले 150 यानी 150 था, वो घटकर कितना हो गया है, इसको भी जानना जरूरी होगा। कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फिलहाल 15 दिनों में, जो कि बीपीएससी नेसेसरी कर दिया है कि आपको डॉक्यूमेंट देना ही है, जो कैंडिडेट अपेयरिंग है उसके लिए एग्जाम कैसे प्रोसेस होगा, इन सारी बातों की जानकारी बहुत ही आवश्यक है और आपको होना चाहिए। इस वीडियो में बीपीएससी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक शब्द आपको मैं सुनाऊंगा और एक एक चीज आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि बीपीएससी ने क्या कहा है। दोस्तों चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद अभ्यर्थियों के तरफ से ही कई तरह की बातें आ रही थी, मांग आ रही थी। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मांग यह था कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, खास करके प्रशिक्षण डीएलएड का जैसे है, उसके लोगों की मांग थी कि हमको भी मौका मिले। हर लोगों को अपने अलग अलग कारणों से लोगों की मांगें हो रही थी, तो इन सभी मांगों पर विभाग को ही विचार करके देना था और विभाग ने विचार भी किया है। और उसके बाद उन सब बिंदुओं को आयोग को स्पष्ट भी किया गया है और उसके आलोक में आयोग ने अपना विज्ञापन का प्रारूप तैयार लिया है। और अधिक से अधिक कल तक जो है ये हम लोग प्रेस में भेज देंगे। उसके बाद वो हो सकता है आज भी चला जाए, हो सकता है कल चला जाए, लेकिन ये इस महीने के अंत में तो आप निश्चित रूप से मान के चलें कि 1 जून का जो सुबह में आप लोग देखेंगे तो जरूर उस समय तक आप लोगों को जानकारी रहेगी। कुछ बातों का हम मैं खुलासा कर दूं कि जो परिवर्तन जो कुछ हुए हैं, कुछ अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए, वो मैं कुछ चीज़ों की जानकारी दे देता हूं। एक की जो सिलेबस के संबंध में जो बार बार लोगों की चर्चा होती रही है कि सिलेबस का विस्तार किया जाए, तो सिलेबस का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमने जरूर स्पष्ट आउट कर दिया है कि प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का जो है वही है, इसलिए वो उसी से गाइडेड होगा और वही है। अभ्यर्थी को सिलेबस विस्तार से अगर समझने की जरूरत बस उन्हीं को देख लेंगे तो उनके वो जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो लोगों की एक मांग रही है कि जो भाषा की का जो है उसमें 100 नंबर का है और उसके लिए 2 घंटे हैं और मुख्य पेपर जो है वो भी 2 घंटे के हैं लेकिन उसमें 150 मार्क्स का है। तो इसमें मैं बता दूं कि भाषा का जो है वो पहले भी मैंने स्पष्ट किया कि क्वालिफाइंग नेचर का है, उससे आपको मेरिट नहीं बनेगा, मेधा सूची उसके प्राप्तांक के आधार पर नहीं बनेगा। और इसलिए हम लोगों ने उसमें अधिक समय दिया है कि आप आराम से आप करें, उसमें घबराने की बात नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य पेपर है वो उसी पर मेधा आधारित होगा, प्रतियोगिता उसी पर है, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो जल्दी बना पाएंगे और जो अच्छे नहीं हैं, उतने स्मार्ट नहीं है, थोड़ा उनको विलम्ब होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन रखा है। लेकिन हम लोगों ने फिर आपस में विचार करके और अभ्यर्थियों की एक बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले जो 150 क्वेश्चन रखा था उसको घटा करके 120 किया है मेन। और पहले जैसे 100 और 50 का था कि 100 में उनका नॉलेज टेस्ट था और 50 में उनका इंटेलिजेंस का टेस्ट था, उसको हमने वह ब्रेकअप को हमने 80 और 40 के रखा है और ये सभी मुख्य परीक्षाओं के लिए है। मतलब 120 क्वेश्चन रहेगा, 80 और प्लस 40। और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि एक पद के लिए
एक ही मेन पेपर है। कई बार लोग ये कहते हैं कि इतना व्यापक सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको सभी पढ़ना है, उनको तो सिर्फ एक ही पेपर की तैयारी करनी है। अगर एक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक ही पेपर की तैयारी करनी है, मेन पेपर। भाषा तो सबके लिए लागू है, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का। तो इसलिए अगर वो दो पेपर दो पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको दो पेपर पढ़ना पड़ेगा, दो पेपर के हिसाब से पढ़ना होगा। और ये भी है कि उनको जो अपना विषय उनका है, मतलब जिसमें वो स्टेट की परीक्षा पास किए हैं, उसी विषय से उनको देना है। और इसमें सिर्फ, पहले मैंने स्पष्ट किया है कि सिर्फ कॉमर्स का ही एक ऐसा विषय है जिसमें कि अगर वो स्टेट किए हुए हैं तो उसमें उनको विकल्प है विषय का, उसमें तीन विकल्प है, अकाउंटेंसी है और एक बिजनेस स्टडी है या एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है और एक और है, वो आपको सब विज्ञापन में सब मिल जाएगा उसमें। तो ये एक बातें हुई पाठ्यक्रम के बारे में। अब इसके आगे ये हमें बताना है कि अभ्यर्थियों की एक और मांग जो सरकार के समक्ष गई थी, आयोग को भी लोग दे देते हैं लेकिन एक्चुअली वो निर्णय सरकार को ही लेना है और सरकार ने संसूचित किया है और ये भी कल की बैठक में ही क्लियर हुआ है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी हम लोग मौका देंगे। और अपियरिंग कैंडिडेट के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता का कट ऑफ डेट जो होगा वो 31/8/2023 होगा। मैं फिर से इसको ज़्यादा स्पष्ट कर दूं कि ये डेट है कि इस तारीख तक अगर उनकी परीक्षा हो गई है, जो अर्हता संबंधी परीक्षा अगर हो गई है, तो वो आवेदन दे सकते हैं। उनका परीक्षा फल बाद में भी निकले तो कोई हर्ज नहीं है, उनको हम लोग भाग लेने का, इसमें आवेदन और प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। ये बिंदु लोग डिमांड करते रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगर इस पॉइंट पर अगर किसी को अभी भी अगर कोई संशय है तो पूछ लेंगे। 31 अगस्त 2023 परीक्षा हो जानी चाहिए। यस, इस तारीख तक परीक्षा सिर्फ में उसको हो जानी है तो वो भाग ले सकते हैं। परीक्षा फल जब भी आएगा तब आएगा। ये वो छात्र होंगे जो टेट क्वालिफाइड किए होंगे ना सर? जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा है, अगर वो उनका पेंडिंग है, या तो परीक्षा नहीं हुई है या परीक्षा फल उसको नहीं मिला है, तो दोनों ही स्थिति में वो भाग ले सकेंगे, बशर्ते इस तारीख तक उनकी वो परीक्षा संपन्न हो जाए और उसमें वो भाग ले। सबके लिए कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसका उसको आप उस कॉम्बिनेशन की बात आप मत सोचे अभी करें। कुछ के लिए कुछ लागू होगा, कुछ के लिए कुछ और लागू होगा, कुछ की कुछ और बातें होंगी। मैंने आपको एक विस्तार से ये बता दिया कि जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा उनको देनी है, अगर वो परीक्षा 31/8/2023 तक संपन्न हो जा रही है या अगर पहले से संपन्न हो चुका है और उसका परीक्षा फल अभी नहीं हुआ है तो भी वो दे सकते हैं, और परीक्षा फल उनको बाद में निकलता है तो भी वो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब उसके कागजातों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जब उनको आमंत्रित करेंगे, तब उस समय उन्हें उस परीक्षा में का एडमिट कार्ड, जिसमें कि वो कह रहे थे कि हम 31 अगस्त तक अपियर हो रहे हैं, उसका एडमिट कार्ड दिखाना होगा और फिर उस समय उसका परीक्षा फल भी दिखाना होगा जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाएंगे। सर यहाँ पे एक सवाल है, ये जो आप 31/8 का ये रख रहे हैं, बीएड वाले छात्रों, बीएड या डीएलएड का, वो बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट क्वालिफाइड होता है उसके लिए सिर्फ है या फिर सभी बीएड के लिए? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अर्हता संबंधी कोई भी परीक्षा
उनको लेकिन ये नहीं होना हो सकता है कि अगर इस कट ऑफ डेट के बाद वाली परीक्षा में भी अगर वो बाद में अगर कोई परीक्षा होने जा रही है, अगले साल कोई परीक्षा होने जा रही है, तो आज झूठा डिक्लेरेशन दे करके वो अपीयर हो जाए, वैसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग और भी हम लोग उसको वचनबद्धता लेंगे, और अगर उसमें अगर वो पाते हैं कि नहीं उसने एडमिट कार्ड उसके पास में नहीं है उस तरह की परीक्षा का, तो फिर हम लोग उसको ब्लैकलिस्ट वगैरह करने की, गलत बयानी के लिए ब्लैकलिस्ट करने की बात करेंगे। जो परीक्षा 31/8/2023 तक संभावित है, वैसे ही मामलों में, और उनका अगर उसमें कोई परीक्षा अगर रुका हुआ है या परीक्षा फल रुका हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सर इसका जो सवाल था, इसका सवाल ये था कि बीएड या सीटेट, जो सीटेट मान लीजिए कि सीटेट भी लंबित है, 31 अगस्त तक हो गया सीटेट, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली, कर सकते हैं। मैं तो कहा ना कि हर तरह की वो परीक्षा में वो दे सकते हैं, बशर्ते कि वो परीक्षा आयोजित तो हो। अगर मान लीजिए उसने अभी तक न सीटेट किया है, न बीटेट किया है, न एसटीईटी किया है, और न ही ग्रेजुएशन किया है, और फिर भी वो आकर के कह रहा है कि हमको संभावित है सारी परीक्षाएं एक साथ हो, तो अगर वो अगर हो जाता है सो फॉर सो गुड, उसका लक। मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी परीक्षा अगर उसकी संभावित है तभी ना वो उसको उपयोग कर सकेगा, अगर संभावित ही नहीं है तो उसका उपयोग नहीं कर सकेगा। अगर वो संभावित ही नहीं है तो गलत बयानी कैसे कर सकता है वो? अब ये कहेंगे कि अगले साल वो परीक्षा होने वाली है तो उसका दावा आज ही कर लें, वो गलत बात हो जाएगी और वो दावा नहीं कर सकेंगे, और वैसा अगर गलत करते हैं तो फिर वो अपना चांस गंवाएंगे ही नहीं बल्कि आगे के लिए डिबार भी हो जाएंगे। ये एक छूट है उनको, उनको ये छूट दिया गया है कि वैसे कैंडिडेट जो कि वाकई में इसका लाभ लेने के लिए योग्य होंगे, मतलब कि उनकी परीक्षा, जैसे बहुत सी परीक्षा अभी जान रहा हूँ कि जैसे बीएड की परीक्षा है, अभी बीएड पटना यूनिवर्सिटी से भी कल हम लोगों ने चर्चा किया कि बीएड की परीक्षा अभी हो गई है शायद, और उसका परीक्षा फल अभी घोषित नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक है कि ये परीक्षा फल बाद में घोषित अगर होता भी है, चाहे 15 दिन में हो, 1 महीना में हो, 2 महीना हो, जब भी हो, हम उनको मौका देंगे, क्योंकि परीक्षा हो गई है संपन्न, तो परीक्षा फल निकलने में अगर विलंब भी अगर होता है तो उसके लिए हम उसको डिबार नहीं करेंगे, उसके लिए हम वंचित नहीं करेंगे, हम उनको मौका देंगे। तो ये कट ऑफ डेट की बात हो गई। अब एक मेरा एक लोगों से ये अनुरोध है कि बहुत बार लोग गलत गलत अटकलबाजी के आधार पर लोग जो समाचार डाल देते हैं उससे थोड़ा परहेज करें, और एक बड़ा मामला एक आ रहा है जिसमें लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि जब आयोग आज तक मात्र साल में या इतने वर्षों में कुछ ही हजार नियुक्तियां जब कर पाई हैं, तो यह आयोग 170,000 नियुक्ति करने में 5 वर्ष से 10 वर्ष और कुछ कितने वर्ष लगाएंगे लोग। अब मैं ये कहूँ कि अगर हम कंबाइंड सिविल सर्विसेज में करीब 6 लाख अभ्यर्थी भाग लेते हैं और फाइनली सिलेक्शन जो होता है 800-900 कभी 300 इस तरह से होता है, तो क्या बाकी अभ्यर्थियों का हम मेरिट लिस्ट नहीं बनाते हैं, उनके कॉपीज का या ओएमआर शीट का हम इवैल्यूएशन नहीं करते हैं? हम तो करते ही हैं। हमको अगर 6 लाख लोगों का अगर परीक्षा देगा तो सभी 6 लाख लोगों का हमको ओएमआर शीट का इवैल्यूएशन तो करना ही है, अब वैकेंसी जितना रहेगा हम उतना पास ऑन कर देंगे। हम तो सभी 6 लाख का करते ही है ना, उसके लिए हम 5 साल तो नहीं लेते हैं। तो इस तरह का जो गलत बयानी जो लोग कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और अगर उसमें अगर आप लोग भी अगर वैसा साथ देते हैं तो आप लोग भी उसके हाथ की कठपुतली बनते हैं, तो आप समझ लें कि हास्यास्पद स्थिति है कि नहीं है। क्या वो इससे तो यही पता चलता है कि ऐसे बोलने वाले लोग और ऐसे कुतर्क देने वाले लोग जो हैं वो पब्लिक को क्या समझते हैं, महाबेवकूफ समझते हैं। तो खैर ये उनके उनकी सोच है, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग हंस रहे हैं तो आप लोग समझ चुके हैं कि हम अगर 6 लाख लोगों की परीक्षा लेंगे तो हम सभी का नाम मार्किंग करेंगे, सभी का नाम मेरिट बनाएंगे,
इतने सिलेक्शन हुए, 5 साल नहीं लेंगे हम। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम कमांड सिविल सर्विसेज का अगर 1.5 महीने में रिजल्ट निकालते हैं, इसमें हमारी करीब 4 परीक्षाएं हैं, क्योंकि एक का 3 पद हो, 3 तरह के पद हैं और एक क्वालिफाइंग नेचर का है, तो क्या हम 4 गुना समय लेंगे? नहीं, हम उसमें 2 से 3 महीने में हम लोग इसका रिजल्ट निकाल देंगे और निश्चित तौर पर इस कैलेंडर ईयर में हम रिजल्ट निकाल देंगे। अब रही बात कि आवेदन, हम लोग इसको आमंत्रित करने का डेट थोड़ा आगे रखेंगे, क्योंकि इसमें इतने कई इसमें रिलैक्सेशन की बातें, जैसे एज के लिए कट ऑफ डेट 1/8/2023 है और ये शिक्षक नियमावली से, जो नियुक्ति नियमावली है उसी में है ये दिया हुआ, न्यूनतम और अधिकतम दोनों के लिए यही कट ऑफ डेट है, लेकिन इसके बाद इसमें अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग मामलों में इसमें कट ऑफ डेट के बाद रिलैक्सेशन भी अलग अलग है, किसी में 10 साल है, किसी में 14 साल है, किसी में 11 साल है, भूतपूर्व सैनिक के लिए कुछ और है। तो इसमें कई ऐसे हैं जिसको लेकर के हमें अपने आवेदन, ऑनलाइन आवेदन, क्योंकि हम ऑनलाइन ही लेंगे, इसमें ऑनलाइन आवेदन को तैयार करने में हम लोगों को समय लगेगा उसके लिए, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन देंगे ऑनलाइन और जिनका परीक्षा फल निकला हुआ है और बाकी जो प्रमाण पत्र, जैसे उनको अपने आरक्षण संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं, EWS संबंधी प्रमाण पत्र हैं, डोमिसाइल संबंधी प्रमाण पत्र हैं, उनको वो आवेदन के साथ अटैच करना अनिवार्य है। ये नहीं होगा कि हम बाद में दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है, आप डिक्लेयर कर देते हैं, लोग बाद में बोलते हैं कि हमारे ला रहे हैं, नहीं लाते हैं। इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि नहीं, आपको उसी के साथ ही देना है। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको 15 दिन का टाइम रहेगा, आप बना लीजिए, आप बनवा लीजिए इस, लेकिन जब आप देंगे, जमा करेंगे आवेदन, तो आप सभी दस्तावेज के साथ जो प्रमाण पत्र आपके हैं, परीक्षा फल अगर निकला हुआ है तो वो भी है, वो सभी को की छायाप्रति आपको लगा करके ही देना है, बाद में उसमें लगाने का या जमा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बाद में सिर्फ जो प्रमाण पत्र आप लगाए हैं सिर्फ उसी का मूल प्रति आपको सत्यापित कराना होगा। हम लोग प्रायः देखते हैं कि EWS के मामले में खास करके, या क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेकर के जो आते हैं, पहले डिक्लेयर कर देते हैं, या फ्रीडम फाइटर का जैसे लेकर के आते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि नहीं मिला हमको सर्टिफिकेट, नहीं मिला, और बाद में अपना दावा को विड्रॉ करते हैं। तो ऐसी बात की गुंजाइश नहीं होगी। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो काइंडली आप न वैसी दावा करें, और अगर आपका एक साल बाद तो हम नहीं मांगते हैं ना, हम तो पूरे प्रक्रिया में 1 साल थोड़ी लेंगे। हम अभी हम इसकी बात करें, 1 साल क्या हम समय नहीं लेने वाले हैं। आपका आवेदन के समय में आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट होगा, आप तभी आप अप्लाई करें, जो आप दावा कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में अगर परीक्षा फल नहीं है तो स्वाभाविक है कि आप उसका दावा नहीं कर सकते, तब आपको आपके पास संभावित जो परीक्षा फल, जो परीक्षा होने वाली है, या आप ये घोषणा आपको देना होगा कि अगर आपने परीक्षा दे दिया है और आपके पास में सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है प्रमाण पत्र, तो आपको ये अंडरटेकिंग देना होगा कि आपने परीक्षा दे दिया है या परीक्षा होने वाली है और आप उसमें देने वाले हैं, और आप समय पर आप जो मांगा जाएगा तो सत्यापन के समय में आप मूल दस्तावेज दे पाएंगे, अन्यथा आपकी पात्रता नहीं मानी जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी, ये चीज उनको देना होगा अंडरटेकिंग। देखिए रिजर्वेशन की बात जो है, आरक्षण तो अगर EWS का जैसे उन्होंने कह ही दिया कि 1 साल का है, लेकिन अगर दूसरे जो वर्टिकल रिजर्वेशन जिसके कहते हैं जाति आधारित जो आरक्षण है, उसमें
मैं समझता हूँ कि डेट का तो कोई है या एनसीएलसी जो क्रीमी लेयर का अलग रहेगा, जो क्रीमी लेयर रहता है वो करंट होना चाहिए। आ रहा है उसमें रहता है तो जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका तो होना ही चाहिए। ये दोनों चीजें हैं, लेकिन मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी में एससी एसटी के एससी एसटी के लिए कोई बार नहीं है। एससी के लिए एक बार है कि उसके साथ रेसिडेंशियल जरूरी है। ईडब्ल्यूएस वाले में सर कि जैसे वो देंगे तो 2023-24 का देंगे ना, 22 का करेंट होना चाहिए, करेंट होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग मौका दे रहे हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको विज्ञापन निकाल रहे हैं, विज्ञापन में आप पढ़ लें सब लोग अपना, और जिनको जो जो प्रमाण पत्र नहीं है उनके पास में तो ये इस दरमियान वो इकट्ठा कर लें अपना। और इसीलिए हम उन लोगों को टाइम भी दे रहे हैं, और इस बीच में मेरा ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार हो जाएगा तो वो हम बताएंगे आपको। हम मान के चलते हैं कि हम लोग करीब 2 सप्ताह का टाइम उनको दे सकते हैं, और भी उसके बाद आवेदन जमा करने में भी उसको कुछ टाइम मिलेगा, तो 2 से 3 सप्ताह का हम लोग आवेदन जमा करने का भी समय देंगे। ये मतलब है उसका उसकी व्यवस्था भी कर लें ताकि जब वो अप्लाई करें तो उनके पास में सभी डॉक्यूमेंट रहे उस समय, बाद में दौड़ धूप करने की जरूरत ना पड़े उनको, बाद में वो कठिनाई ना हो। अब रही बात की ये नेगेटिव मार्किंग की जो बात आपने जो किया, हाँ उसके पहले ही हो जाएगा। हम ऑनलाइन देखिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन हम लोग पहले जो अलग अलग तिथि पर करते थे वो हम लोग अलग अलग तिथि पर नहीं करेंगे, एक ही साथ करेंगे। हाँ उसके आसपास तब तक लोग भी अपनी तैयारी कर लें, हम भी अपनी तैयारी करेंगे और अभ्यर्थी भी अपनी तैयारी कर लें, आप प्रमाण पत्र सब इकट्ठा कर लें। अब रही बात की एक और पॉइंट है आरक्षण से ही संबंधित कि नियमावली में ही दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए जो प्राथमिक विद्यालय के मामले में प्राइमरी स्कूल में वो 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, और उसका वैसे भी पूरा जो ब्रेकअप है जो पद की जो एक्टी के रोस्टर वाइज मतलब आरक्षण कोटिवार वो भी हम लोग वेबसाइट पर डाल देंगे, और उसमें लोग देख सकते हैं कि किस विषय में किस किस कैटेगरी आरक्षण होती है सब देख सकेंगे। उसमें कुछ जो छूट जितनी तरह की छूट है वो विज्ञापन में आप पढ़ लेंगे, जैसे विषय के हिसाब से भी, जैसे कंप्यूटर के मामले में भी लोगों की जिज्ञासा थी और कितना प्राप्तांक क्या है वो सारा डिटेल्स जो है वो आपको विज्ञापन में मिल जाएगा। आपको उसमें जितना भी डिटेल्स है उसमें इतने ढेर सारे, अगर मैं उसी की परीक्षा ले लूँ अगर तो शायद उसमें भी हम लोग भी फेल कर जाएंगे, क्योंकि इतने ढेर सारे उसमें हैं पॉइंट्स, और यही कारण था कि थोड़ा टाइम भी लग रहा था। स्वाभाविक है इतने ढेर सारे कंडीशंस हैं और इतने वैरायटी इतने ज़्यादा हैं कि ये इसको समझना, एक बार में समझना और एक बार में समझ करके उसको लिखना उतारना कंडीशंस को और उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को ही बनाना है मुश्किल बात, लेकिन समय लगा, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, तो अभी हम लोग तैयार हैं इसमें। अब रही बात कि ये कट ऑफ, इसलिए ये आपने कहा नेगेटिव मार्किंग के लिए, इस पर भी लोगों ने बहुत चर्चा किया कि मतांतर है, ऐसा कोई मतांतर नहीं है, किसी भी बिंदु पर कोई मतांतर नहीं, और सबकी सहमति से और अपने अपने क्षेत्राधिकार से, जिसको जो क्षेत्राधिकार है विभाग का आयोग का जो क्षेत्राधिकार है उसके उन सीमाओं में रहते हुए और आपस में विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मेन पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और कोई उसके बारे में जब हम भी जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको बता देंगे, राइट। चूँकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि समय आने पर जरूर बता दिया जाएगा, और कैंडिडेट्स को हम लोग एग्जामिनेशन देने के पहले उनको जरूर बता देंगे, लेकिन उससे आप ये आप स्वयं सोचें कि उससे क्या हमारे परीक्षा की तैयारी में कोई अंतर आएगा क्या? हम 4 लें, ऑप्शन दें, 5 ऑप्शन दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है?
परीक्षा की तैयारी तो आदमी को ईमानदारी से अपना करते ही रहना है ना, और नेगेटिव मार्किंग है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी से सीरियसनेस तो ऐसे ही आ जाएगा। आम को अमरूद के साथ मत तुलना करें। आप हेडमास्टर जो थे वो क्या सरकारी शिक्षक थे या नहीं थे? उसके जो अभ्यर्थी थे वो सरकारी शिक्षक थे कि नहीं थे? और वर्तमान के जो इस मामले में जो अभ्यर्थी हैं वो सरकारी हैं कि नहीं हैं? तो आम और अमरूद को आप कैसे आप बराबर करके चलते हैं? अब जिसको भी आप आम समझिए, जिसको भी अमरूद समझिए, लेकिन आप अपनी विवेक से अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी तुलना और उसमें अभ्यर्थियों के तैयारी की तुलना इससे मत करें। ये भिन्न परीक्षा है, वो भिन्न परीक्षा थी, उसके भिन्न अभ्यर्थी थे, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट था, उनका स्टेटस डिफरेंट था, इनका स्टेटस डिफरेंट है, इनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, ठीक है? इसमें सर दोनों को एक ही साथ जैसे नियोजित शिक्षक है और जो करे पर है, सरकारी कोई नहीं है अभी। सर एक प्रश्न सर, केवल सर बिहार के लोगों के लिए ही है? यस। उसका जो नियोजित में सर दूसरे राज्य के हैं उनका क्या होगा, वो परीक्षा में बैठ सकते हैं? ये नियमावली में आपको सरकार से ही पूछना चाहिए, क्योंकि नियमावली के बारे में कोई भी बातें जो हैं कि उनका क्या होगा नहीं होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है बताने के लिए। मैं हम सिर्फ नहीं कर सकते हैं कि नियमावली में जो प्रावधान दिया हुआ है उसमें भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, वही परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। मैं नहीं जानता हूं, और फिर मैं कहूंगा कि अटकलबाजी पर कोई न्यूज न चलाएं। सबसे अच्छी बात होगी कि जो विषय सरकार से संबंधित है वो सरकार से पूछें। जो हमें तो 1,70,000 समथिंग का हमें जो अधिसूचना प्राप्त हुई है हम उसके आलोक में अपनी बात बता रहे हैं। अब ये उसमें नियोजित शिक्षक का पद है नहीं है, उसको क्या किया गया है, इसके बारे में तो आप सरकार ही बता सकती है, हम नहीं जानते हैं, हमें जानना भी नहीं है। जाति प्रमाण के साथ साथ आवासीय भी जरूरी होगा, स्वाभाविक है। अगर हमें स्थायी निवासी लेना है बिहार का तो हमको उसका आवासीय जो है प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती ही है और पड़ेगी। अब जैसे कोई व्यक्ति रेंट में रहता है तो उसका जो अगर ये यहाँ बनेगा वो अस्थायी बनता है? हमें स्थायी निवासी चाहिए। तो बन जाता स्थायी निवासी का बिहार के पास, पिछले जो परीक्षाएं हुई है उसमें बिहार आपकी जो महिला उम्मीदवार है उनको कुछ खास पात्रता परीक्षा है उसमें एक परसेंटेज का छूट दिया जाएगा जनरल में, उसको कैरी करेंगे या? देखिए मैंने आपको क्या कहा कि इतने ढेर सारे उसमें छूट के कंडीशंस हैं, एज में है, जो अपनी जो प्राप्तांक है उनकी परीक्षाओं में उसमें है, सबके लिए अलग अलग है और उसमें फिर छूट भी है। इस पूरे चीज़ों को एक बारगी अगर आपसे पूछा जाए तो कोई नहीं बता सकेगा। बेहतर होगा कि विज्ञापन में हम लोग उन सारे पॉइंट्स को डाल रहे हैं, उसको आप पढ़ें और समझें और उसके हिसाब से फिर अपना निर्णय लें कि क्या है क्या है। अभी टेंटेटिव है। टेंटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? अनुमानित है, संभावित है, अभी अस्थाई रूप से तय किया हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे अगर आयोग का अभी हाल फिलहाल के समय में, तो आप समझ लें कि यह टेंटेटिव जो चीज़ है यही अस्थाई है कि स्थाई है, यह आप स्वयं निर्णय ले लें। ये हमारे हिसाब से तो अभी हमारे लिए तो वही स्थाई है।
और इसका कारण इसलिए हम लोगों ने उसको पहले घोषित कर दिया और पाठ्यक्रम भी हम लोगों ने पहले घोषित कर दिया, क्योंकि अभ्यर्थी उनको पर्याप्त समय मिल सके और वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी तैयारी पर ध्यान दें और इधर उधर के अफवाह पर ध्यान न दें। मुझे आप लोग से भी बार बार अनुरोध है कि ऐसे कुतर्क जो अभी मैंने जिसकी चर्चा किया और कुछ और भी जो अनावश्यक, अरे हमारे और विभाग के बीच में मतांतर नहीं है, आप लोग शायद चाहते हो ऐसा तो अब दूसरी बात है, लेकिन हमारे विभाग के बीच में कोई मतांतर नहीं है। लेकिन आप कल या परसों जब विज्ञापन आपको जब देखने को मिलेगा तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि इतने ढेर सारे कंडीशंस को देख करके उसमें जो माइंड अप्लाई करना होता है, कितने बिंदुवार उसको जो समझना होता है, उसके उनको डिटेल्स को बिना समझे हुए, उसका इंट्रिकेसीज को बिना समझे हुए उसको तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये चीज़ स्वाभाविक तौर पर इतना भारी भरकम है, इतना इसमें काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं, उसको समझ करके तैयार करने में समय लगना स्वाभाविक है और अब वो समय आ चुका है, हम कर रहे हैं। अगर STET आपने एक और, मैं इसको थोड़ा सा और खुलासा कर दूँ, वैसे कल या परसों विज्ञापन में आप लोग देख मिल जाएगा, STET पेपर वन जो है वो हाई स्कूल के लिए है और पेपर टू जो है वो हायर सेकेंडरी के लिए है। पेपर वन में अगर हमने मैथ्स लेकर के दिया है तो हम हाई स्कूल के लिए हम मैथ्स में ही हम अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकेंगे। और अगर पेपर टू में हमने किसी और विषय में दिया है तो फिर हम हायर सेकेंडरी में, मान लीजिए फिजिक्स में दिया है तो हम हायर सेकेंडरी में फिजिक्स में ही कर सकेंगे, ठीक है, इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो उसकी पात्रता आपकी है, स्टेट वन आपने जैसे पेपर वन क्लियर कर रखा है तो आप योग्य हो गए, लेकिन उसी विषय जिसमें आपने क्लियर किया, दूसरे में आप नहीं अप्लाई कर सकते। एक और सवाल, आपने इशारों में उनका नाम नहीं लिया लेकिन इशारा वही था कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा कैसे लेंगे, तो उन्होंने सवाल रहा तो इस तरह का बयान दिया, आप नाम जानते? मैं नहीं जानता हूँ नाम, मैंने जो सुना है मैं आपको एक मैं आपको आप हाइपोथेटिकली मान लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की बातें अगर उठती है, सुनी सुनाई बातें, अब किसने कहा क्या कहा उस पर मैं नहीं जा रहा, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि आप स्वयं सोचें इस बात को कि जब अगर हम 6 लाख लोगों का एग्ज़ाम लेते हैं तो हम सब 6 लाख का मूल्यांकन करते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से चेहरा देख करके हम 1000 का मूल्यांकन कर दिया उसी का रिजल्ट भेज देते हैं, नहीं ना, हम तो 6 लाख का मूल्यांकन करते हैं। अब उसमें से जितना डिपार्टमेंट को जितना वैकेंसी के हिसाब जितना चाहिए उतना ले लीजिए उसमें से। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो परीक्षा यहाँ कराया है, मतलब इस कमीशन में, तो हम लोगों ने पाया है कि एक शिफ्ट में कराने के लिए हम 6 लाख तक हम लोग करीब जा पाते हैं। 6 लाख से ज़्यादा जाने वाली स्थिति जब उत्पन्न हो रही थी तो उसमें हम लोगों को 2 शिफ्ट में करने की आवश्यकता हो रही थी, ये तो हम सभी लोगों का मतलब एक ऐसा मतलब चांस की बात थी कि हम लोगों को उस समय 6 लाख का मिल गया, उतना सीट्स एकोमोडेशन सेंटर्स हम लोग एक शिफ्ट में कर पाए, अन्यथा हम लोग चाह करके भी एक शिफ्ट में नहीं कर पाते। तो अब हम लोग की जब क्षमता ही अगर 6 लाख के आसपास की है और अगर अभ्यर्थियों की संख्या अगर 6 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग को 2 शिफ्ट में करने की मजबूरी होगी और हम लोग तब 2 शिफ्ट में करेंगे और इसका प्रावधान हम लोगों ने रखा है। लेकिन बेशक अगर हम लोगों को उसके कम रहेगा और हमें सेंटर्स मिल जाता है तो हम लोग का भी
फर्स्ट चॉइस जो होगा वो एक ही शिफ्ट में होगा। एक ही शिफ्ट में करेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे, हमको फिर उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि इतने ढेर सारे विषय हैं तो हर के लिए आंसर शीट, उसका फिर आंसर की बनाने में जो परेशानी आती है और जो उस पर जो आरोप और वगैरह लगता है, उसके बाद कई बार आपत्ति आती है, सबका समाधान करने में ही ज़्यादा समय लगता है। अगर हम दो शिफ्ट में करेंगे तो हमारा डबल एक्सरसाइज हो जाएगा, तो हमारे लिए मतलब सही व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन अगर वो बाध्यकारी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो हम उसको दो शिफ्ट में करेंगे ही करेंगे। देखिए वो अनुमान हम लोग फिर से यही कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन या अनुमान लगाना अपनी जगह पर सही है, लेकिन जब उसको अगर आप प्रसारित प्रसारित करते हैं तो फिर वो एक अलग फिर एक हो जाता है, उसमें अनावश्यक वो आशंका होने लगती है। हमें कैंडिडेट की संख्या से सिर्फ शिफ्ट की बात आती है, कैंडिडेट की संख्या से हमें उसके कारण थोड़ा नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा कि हमको ये कहा कि हम 1,000-10,000 नियुक्ति करते हैं साल में या 5 साल में, तो इसलिए उस रफ्तार से चलेंगे तो 1,70,000 लोगों की नियुक्ति करने में 5 साल लगेगा। ये हास्यास्पद है, आप लोग भी बार बार हंस जा रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ उससे ज़्यादा। फिर से सवाल आपका क्या है सर? जो नियोजित शिक्षक भाग लेंगे परीक्षा में सर, तो वो लोग भी सर गाइडिंग में रहे हो सकते हैं क्या? परीक्षा सर दूसरा पेपर उनका है, एक पेपर ही दे रहे हैं परीक्षक। शिक्षक तो वो भी सर अभ्यर्थी ही मतलब अपने ही इन्विजिलेशन भी करेंगे और नहीं नहीं सर वैसा नहीं होगा, वो निराधार है। उसको ऐसे ही मतलब स्वाभाविक बात है कि हम कैंडिडेट्स को इससे ही इन्विजिलेशन कराएं, ऐसा भाई भतीजावाद हम लोग को नहीं करना है। नहीं सर, जैसे एक पेपर के लिए मानिए सर वो हायर सेकेंडरी के लिए दे रहे हैं, तो फिर मिडिल स्कूल का जो है उस पेपर में वो गार्डिंग में रहेंगे, मानिए वो नहीं एग्जाम। पहली बात कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो प्राइमरी स्कूल में जो अभ्यर्थी जो देंगे उसमें से कई अभ्यर्थी भी होंगे, क्योंकि नौकरी चाहिए लोगों को, तो कई जो बेरोजगार हैं तो वो सभी में देना चाहें करेंगे, अगर योग्य हैं तो सभी में और दे भी सकते हैं, उनको छूट है, और इसी कारण से हम लोग अलग अलग तिथि पर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि कैंडिडेट्स को हम इन्विजिलेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लग ऐसा हो सकता है। जो अभ्यर्थी होंगे अभ्यर्थी कैटेगरी के लिए आ सकते हैं वो कभी भी वो वीक्षक नहीं बनेंगे, और इस पर भी मंथन हो चुका है। अब सब चीज़ का खुलासा मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मंथन इस पर हो चुका है और हम लोगों की इतनी क्षमता है कि हम लोग, और ये क्षमता भी हमें फिर से शिक्षा विभाग से ही मिलेगा या दूसरे विभाग से मिलेगा, कॉलेजेस भी तो हैं बिल्कुल शिक्षा विभाग के अधीन में, हमारे कई पंचायत के ग्रामीण विभाग के कई अन्य विभाग हैं जिनका प्रेजेंस और लार्ज नंबर में है, लोग उसमें ऑफिसर्स हैं, लोग हैं, स्टाफ हैं उसमें, हमें उन लोगों को रोप इन करना है। और चूंकि सरकार का ही काम है ये और सरकार का सहयोग और निर्देश रहेगा ही, तो सेंटर्स भी और जिला पदाधिकारीगण से भी यह अनुरोध भी रहेगा और अपेक्षा भी है ये, और उनका कर्तव्य भी है कि इसमें सहयोग करें और उपलब्ध कराएं, और सेंटर्स भी उपलब्ध कराएं, वीक्षक भी उपलब्ध कराएं जो न्यूट्रल वीक्षक हों। कभी भी कैंडिडेट और वीक्षक वही नहीं होगा। और कुछ सर,
देखिए आपने अच्छा किया यह प्रश्न पूछ लिया, लेकिन इसका जवाब हम भी खोज रहे हैं। और इस पर जैसे मैंने कहा कि हर परीक्षा से हम लोग कुछ सीख लेते हैं, कुछ सबक लेते हैं, और उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनता है, उसका उपयोग अन्य परीक्षाओं में भी करते हैं। शिक्षक परीक्षा में भी हम लोग करेंगे, जो पहले से अनुभव लिए हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसका उपयोग करेंगे। और इसमें जो हम लोग सीख ले रहे हैं, खास करके ये कट ऑफ डेट, दो तरह के कट ऑफ डेट हुए इस परीक्षा में। एक कट ऑफ डेट ए से रिलेटेड जो कि 1/8/2023 हुआ, जो नियमावली के हिसाब से जो परीक्षा का वर्ष है या नियुक्ति का वर्ष, अध्याचना का वर्ष है, उसका 1 अगस्त होगा एज के लिए कट ऑफ, ये नियमावली में दिया हुआ है। तो ये अच्छा एक प्रावधान है, इसमें एक स्थायित्व आता है कि भाई हर कैंडिडेट को हर बार समझ में रहेगा कि मेरा ये कट ऑफ डेट ये है, तो हर साल अगर परीक्षा हो रही है तो लोग क्लियर पहले से रहेगा। ये एक अच्छा प्रावधान है, उनको हम सोचेंगे कि क्या हम अन्य परीक्षाओं में भी, आपकी अन्य परीक्षाओं में भी इसको शामिल कर सकें, यही प्रावधान लागू कर सकें कि नहीं कर सकें, इस पर हम लोग सोचेंगे और जब निर्णय होगा तो फिर संसूचित भी करेंगे। उसी तरीके से इस बार हम लोगों ने जो जिनका परीक्षा फल नहीं निकला है, अपियरिंग कैंडिडेट्स की बात जो हो रही है, अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए हम लोगों ने कट ऑफ डेट 31/8/2023 रखा है। तो ये हम लोगों के लिए भी पहला अनुभव होगा, इसमें हम लोगों ने लागू किया और ये अभ्यर्थियों की मांग पर ही हम लोगों ने लागू किया है। अब इसको भी अगर हम आयोग की अन्य परीक्षाओं में लागू करेंगे नहीं करेंगे, या करेंगे तो किस तरह की यही डेट रखेंगे कि कोई दूसरा डेट रखेंगे, ये हम लोग देखेंगे। दूसरे आयोगों का भी हम लोग प्रावधान को देखेंगे, UPSC के भी प्रावधान को देखेंगे, और फिर उसके हिसाब से हम लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन इस पर मनन चिंतन करके हम लोग कुछ निर्णय करेंगे, क्या करेंगे वो अभी बताना थोड़ा प्रीमैच्योर होगा। ठीक है, कौन सा कट ऑफ, किस चीज का कट ऑफ, आरक्षण से संबंधित? आपको बाकी का क्लियर है क्या? अभी मैंने क्या कहा कि इतने ढेर सारे उसमें इफ्स एंड बट्स हैं कि आप उसको विज्ञापन जब देखेंगे तो उसमें जो लिखा रहेगा उसके हिसाब से अब फिर आप करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन जो चीज नहीं है वो होना है कि नहीं होना है, इसके बारे में जो अर्हता संबंधित जो भी क्राइटेरिया है वो शिक्षा विभाग का ही रहेगा, सरकार का ही रहेगा। ठीक है, मोटा मोटी काम धाम शुरू हो गया है, नहीं माना। मोटा मोटी यह है कि आप लोग कृपा करके अफवाह नहीं में फैलाने में शामिल ना हो। ठीक है, क्योंकि कल की बैठक बेनतीजा नहीं थी, कल की बैठक का ही सारा नतीजा तो आज है।